हेलो, आज का न्यू दिन, आज क्योटो में आखिरी दिन है और हम लोग इनारी आए हुए हैं, फुशिमा इनारी जो इनकी फेमस श्राइन है। लोग अभी यहाँ हैं, तो चले जा रहे हैं और इसे फुशिमा इनारी जो कि इनकी फेमस श्राइन और टेंपल है, वो क्योटो स्टेशन से आपको नारा लाइन लेनी है। नारा लाइन जो कि प्लेटफॉर्म 10 से मिलती है, वो आपको सीधी वहाँ ले जाएगी। बिल्कुल ये इनके स्टेशन इनारी का जो स्टेशन है उसके सामने ही है, बिल्कुल मेरे पीछे। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत यही घूमेंगे और फिर क्योटो से हम इख्तिताम करेंगे। तो चलें श्राइन के अंदर चलते हैं और बारिश शुरू हो चुकी है अभी, इसकी काफ़ी लंबी वॉक है, देखते हैं। रश काफ़ी है आज यहाँ पर, मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, पर हमारे पास तो आज ही का दिन था ये करने का। फुशिमा इनारी श्राइन, ये जो है जापान की मोस्ट फेवरेट और बिलवड श्राइन है। ये डेडिकेटेड है इनारी द शिंटू गॉड, द गॉड ऑफ राइस, प्रोस्पेरिटी और बिजनेस। इस श्राइन में हजारों रेड टोरी गेट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत पाथवे बनाते हैं माउंट इनारी तक। ये यहाँ पर पूरा इसका रूट मैप है, साइट ऑफ शिंटू रिचुअल। अभी जो मेन है यहाँ लोग वॉक करते हैं, सबसे ज़्यादा रश तो यहाँ होगा, तो भाई मची होनी चाहिए। ये भाई ये पूरी श्राइन है, बहुत बड़ी है भाई ये। हम लोग अभी यहाँ हैं, देखते हैं यार, हम पूरी तो वॉक नहीं करेंगे, ये तो बहुत अपहिल है, थोड़ी बहुत जो करेंगे यार। काफ़ी खूबसूरत है भाई ये और काफ़ी बड़ी है। अंदर जो हैं वो लोग अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं। ये फॉर्च्यून का है आई थिंक, ये सेंसीजो टेंपल में भी मैंने किया था। तो इस तरह आप लोग शेक करते हैं और फिर उसमें से आप एक स्टिक निकालते हैं और फिर वो जो स्टिक होती है उसको आप उस पर जो नंबर होता है उससे मैच करते हैं और आपकी फॉर्च्यून उसमें पता चलती है। काफ़ी बड़ा टेंपल है ये यार, काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत है। ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मेनली, काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी इबादत करने भी आए हुए हैं। अभी तक थोड़ा कम रश है, मुझे लग रहा था बहुत रश होगा लेकिन अभी इतना रश है नहीं। अभी हम आगे जाएंगे, जो एक वॉक है बहुत बड़ी यहाँ की जो सभी करते हैं, तो हम देखते हैं, वो काफ़ी लंबी वॉक है तब ये वहाँ जाएँगे। यार ये जो है इस पर आप 1000 येन है इसके, और अपने विश को और अपना नाम, ये इन फ्रंट ऑफ टोरी ईमा, इसे ये टोरी ईमा कह रहे हैं, और फिर इसको आप हैंग कर दें इस विश के ऊपर, यू कैन टेक इट होम एज वेल, तो आप घर भी ले जा सकते हैं ये कह रहे हैं। और हाँ, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो अपना स्ट्रॉलर मत लेकर आएँ, यहाँ स्ट्रॉलर चलाने की कोई जगह नहीं है, उसके या तो होटल में रख के आएँ या किसी लॉकर में रख कर आएँ। नीचे यहाँ पर लॉकर हैं वैसे सामान रखने के, तो आप लोग वहाँ पर भी रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। और ये है भाई यहाँ के इनके गेट्स की वॉक, आगे चलते हैं महाराष्ट्र को। फुशिमा इनारी की जो श्राइन है ये डेट बैक करती है 711 AD तक, जिसका मतलब ये है कि ये 1300 साल पुरानी श्राइन है। मियांलयान लंबी वॉक है भाई, चलते रहो लोग। हर गेट जो है वो सिंबलाइज करता है हर डोनर को, जो कि मोस्टली बिजनेसमैन होते थे यहाँ पर या यहाँ के इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते थे। तो यार ये अराउंड 10 मिनट्स की वॉक है अभी तक, पता नहीं अभी और कितनी है, ख़त्म नहीं हुई है, तो बस चले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इस लाइक ऑरेंज। इसकी जो पूरी हाइक है वो 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसको ऊपर नहीं जाना है। तो यार पूरा ये आप लोगों को चलने की ज़रूरत नहीं है, हम आधे रास्ते से भी वापस जा सकते हैं, क्योंकि बस ये पूरी इसकी वॉक ही है ये इस तरीके से। ये पूरा ना श्राइन पे ही आपका वेटिंग एरिया, आराम से आप वेट कर सकते हैं,
बेंचेस भी हैं, बारिश हो रही हो तो शेड भी है, और क्या चाहिए आपको। अच्छा यार, ओवरऑल जो क्योटो सिटी का जो एक्सपेंस है वो इस तरीके से है कि यार इनकी जो सबवे है वो 220 पर जर्नी चार्ज करती है। तो स्वीका कार्ड ही लोड किया हुआ था, वही यूज़ कर रहा था, लेकिन आप लोग कैश भी कुछ जगह भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्वीका इज़ द ईजिएस्ट। इसी तरह बस जो है वो 230 चार्ज करती थी और बच्चों का 120, ये वन वे चार्जेस होते थे। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि 1100 का आप जो है वो फुल डे पास बनवा लें, वो आपकी सबवे में भी चलेगा और आपकी बस में भी चलेगा। उसके अलावा होटल की अगर मैं कॉस्ट बताऊँ तो हमें चार लोग, दो बच्चे और दो एडल्ट्स विद ब्रेकफास्ट, हमें जो पड़ा है वो 86 पाउंड अराउंड पड़ा है हमें पर नाइट यहाँ पे हमें होटल। तो ये यहाँ के होटल की कॉस्ट थी। इसके अलावा अगर मैं मील की बात करूँ तो मील हमें रामन मील जो हमने मेनली खाई है यहाँ पर हलाल, तो वो हमें अराउंड जो पड़ी थी वो 5830 का हमारा बिल था। ज़्यादातर बिल हमारे यूँ ही बने हैं पूरी फैमिली के, तो इसमें हम मेजरली तीन लोगों की मील ऑर्डर करते थे। तो ये इस हिसाब से हमारे क्योटो में एक्सपेंस रहे हैं। उसके अलावा जैसे ये जो श्राइन, उसके अलावा जो इनारी श्राइन है इसकी तो कोई एंट्रेंस टिकट नहीं है, लेकिन जो हम ऊपर गए थे अधाशियामा उसकी एंट्रेंस टिकट थी। तो इतनी कोई एंट्रेंस टिकट का ख़र्चा भी नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट वाइज तो काफ़ी सस्ता है, ठीक है, लेकिन जो बाकी जो मीठे हैं, जो डिज़र्ट शॉप्स हैं, वो आपके ऊपर आप कितना कंट्रोल करते हैं और आपको कितना खर्च करना है। ओवरऑल जो मेरी फेवरेट थिंग है कॉफ़ी, वो भी भाई यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस हैं, अराउंड 350 येन के मुझे यहाँ पे जो इनकी लोकल कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ से मुझे आराम से मिल जाती थी। तो बेस्ट थिंग है, कॉफ़ी लवर्स आपके तो मज़े हैं भाई। यार ये इसका पूरा बैकयार्ड है श्राइन का। श्राइन के साथ ही यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत विलेज है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मार्केट स्ट्रीट है। एक ट्राई करें कैसे। ये अनारी विलेज है, ये क्या है, यार ये अनारी विलेज है और इसके भाई ये लोकल स्टॉल्स हैं। अभी तो हमने ये टोर्नेडो पोटैटो खाया। अच्छा रगी तो गजाए मस, बड़ी चीज़ें हैं यार, ये भी हलाल है भैया। ये क्या है यार, ये कुछ ऑक्टोपस का कुछ है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त विलेज है यार ये। यार हर चीज़ यहाँ पे लोकल स्टॉल्स हैं सारे, कोई बड़े कैफ़े नहीं है, कुछ नहीं है, लोकल पब्लिक जो है वो सब कुछ बना रही है। दस यार है, ये कौन खाएगा भाई। ये यहाँ का एक्सपीरियंस चल रहा है, सब खा रहे हैं यहाँ इनारी विलेज पूरी। अच्छा एटमोसफेयर है यार यहाँ का। ये क्या है भाई, ये भी कुछ बना रहे हैं। नहीं यार हमसे तो ना खाया जाए भाई। ये हिरोशिमा स्टाइल ओकोनोमियाकी 700 येन। काफ़ी अच्छा डाउन है यार ये तो। यार अभी जो है वो इनारी विलेज की वॉक हो रही है, काफ़ी अच्छी विलेज है, लोकल पीपल और लोकल पब्लिक के फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पर, कोई मेजर ब्रांड्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे खाने हैं यार, मतलब मुझे तो नाम ही नहीं पता आधी से ज़्यादा चीज़ों के तो, और हलाल ऑप्शंस भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है। यहीं का टूर करेंगे अभी, एज़ यूजल आप वॉक करके खा नहीं सकते। ओके यार ये टोर्नेडो खाएँ, और भाई खाने के बाद अपना कचरा अपने साथ। ये स्ट्रॉबेरी मोची, स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत खेल रहे हैं यहाँ ये लोग हर चीज़ में। ये यार ये लोकल गोले गंडे लग रहे हैं, शेव्ड आइस सिरप ऑन टॉप, लोकल गोले गंडे हैं भाई ये। यार सॉरी है केड़ी शह कोयल ये यहाँ पे तो स्ट्रॉबेरी मोची ट्राई होगी आई थिंक। मोची
तो ये थी मेरी क्योटो में लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं टोक्यो की लास्ट वीडियो कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोला भाई चले।